गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। हमीरपुर के वडसर में कोरोना पॉजिटिव से हिला हिमाचल। दिल्ली से 29 अप्रैल को लौटा था 42 वर्षीय व्यक्ति। सराज के बक्सयार्ड में ग्रामीण ने बनाया अनूठा गेट, आने जाने वाले हो रहे सैनिटाइज। करसोग में कोविड के इन 10 सैंपल का क्या होगा, लोगों में टेंशन। तिनबड़ में लॉकडाउन ठेंगे पर, शरेआम घूम रहे होम क्वारंटीन लोग। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सांसद रामस्वरूप ने बढ़ाया हौसला। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिजड़ी के साथ लगते गांव में कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय व्यक्ति 19 अप्रैल को गाड़ी में दिल्ली से लौटा था। हॉटस्पॉट एरिया से आए होने के कारण उस व्यक्ति के 5 मई को रेंडमली टेस्ट लिए गए थे। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उक्त व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम उसे उपचार के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा ले गई है। उक्त व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, ना तो उसे सर्दी खांसी बुखार था और ना ही कोई अन्य परेशानी थी। अब व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों को क्वारंटीन करके उनके सैंपल लिए जाएंगे। उक्त व्यक्ति दिल्ली से आते समय कितने लोगों के संपर्क में आया, अपने गांव में किस किस से मिला, उन सब की डिटेल अब स्वास्थ्य व पुलिस विभाग बनाने में जुटा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उक्त व्यक्ति द्वारा हेयर कटिंग के लिए अपने घर एक बार्बर को बुलाया गया था। अब बार्बर द्वारा उसके बाद कितने लोगों की कटिंग की गई है, ये भी जांच और चिंता का विषय है। अब बिजड़ी पंचायत व आसपास के 3 किलोमीटर एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से सील किया जाएगा। हमीरपुर जिला एक तरफ जहां कोरोना से मुक्त होकर राहत की सांसें ले रहा था, लेकिन उसी के साथ एकाएक ये जो मामला सामने आया है उससे लोगों की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें कि ये जो मामला सामने आया है, उक्त व्यक्ति अपने परिवार के साथ 27-28 तारीख को दिल्ली से गाड़ी में अपने परिवार के साथ घर पहुंचा था और उसके बाद उसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंडमली टेस्ट लिए गए हैं और टेस्टों में वो व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। तो स्वास्थ्य अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि इस व्यक्ति में किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम कोरोना के नहीं थे, ना खांसी थी, ना सर्दी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव निकला है, जिससे लोगों की चिंताएं और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। अभी सुबह व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाड़ी में ले जाया गया है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी सभी मौजूद हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए जहां सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं मंडी जिला में सराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सयार के एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर ही एक सैनिटाइज गेट बना डाला है। बक्सयार के रहने वाले ओम प्रकाश ने अपने घर में पड़ी गैर जरूरी चीजों से ये गेट बनाया है। खास बात यह है कि इसकी लागत लगभग ना के बराबर है। इसमें एक पुराने स्प्रे पंप का इस्तेमाल किया गया है और इसमें चार्जिंग सिस्टम भी सौर ऊर्जा द्वारा ही की जाती है और गेट को बाहर से तिरपाल लगाकर बंद किया गया है। इस गेट से कोई व्यक्ति गुजरता है तो सैनिटाइज होकर दूसरी तरफ निकलता है। जैसे इस दरवाजे में हम कोई भी एंटर होता है तो जैसे इस पर पांव पड़ता है तो इसमें स्प्रे सिस्टम ऑन हो जाता है और ये नोजल से स्प्रे आना शुरू हो जाता है और जैसे ही हम दरवाज़ा छोड़ते हैं तो ये ऑटो कट हो जाते हैं। अगेन जैसे ही इस पर पांव रखते हैं तो स्प्रे शुरू हो जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो बंद हो जाता है। इस सैनिटाइजिंग स्प्रेइंग डोर सिस्टम में जो भी मटेरियल इस्तेमाल में हुआ है वह तकरीबन सारा घर में ही था, जिसमें ये जो पीट का पंप, पिटू पंप कहते हैं, और इसकी नोज़ल और ये जो प्लास्टिक की शीट कहीं भी आसानी से मिल जाती है और इसके साथ इसका जो थोड़ा जैसा ऑटोमेशन सिस्टम, ये भी हमने कबाड़ से ही लिया और इसे बड़ी आसानी से तैयार कर दिया। और इस पर लागत देखें तो फिलहाल तो कोई ऐसी लागत नहीं या बाज़ार से हमें कोई मटेरियल लाना पड़े। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सरकार के आदेशों का पालन करते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम COVID-19 से लड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे।
करसोग क्षेत्र में कोरोना वायरस की जांच को लेकर शुक्रवार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 10 लोगों के सैंपल उठाए जा रहे हैं, जिनके नतीजे सुखद आने पर बड़ी राहत साबित हो सकती है। कोरोना वायरस की जांच को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन करसोग पहुंच चुकी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना केस जांच को लेकर सैंपल उठाने का कार्य कर रही है। ये कार्य करसोग की सीमा तत्तापानी से शुक्रवार को शुरू किया जा चुका है। सैंपल की रिपोर्ट लगभग 24 घंटे में सामने आने की बात कही जा रही है, जो पूरे क्षेत्र के लिए राहत या फिर संकट की चेतावनी दे सकती है। आज करसोग ब्लॉक के अंदर हमारे तत्तापानी एरिया में और पांगना एरिया में मोबाइल वैन, जो टेस्टिंग वैन है और जिससे हम कहते हैं कोरोना से रिलेटेड हमने सैंपल लेने हैं, तो वो टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें 10 से 12 सैंपल आज हम लेने शुरू कर दिए हैं। हमारी टीम ने, हमारी जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, जो हमारे हाई रिस्क एरिया से लोग ट्रेवल करके आए हैं या कुछ लोगों का अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, फ्लू के सिम्टम है, उन लोगों को आज हम टेस्ट कर रहे हैं और आज ये दोपहर तक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसकी टेस्टिंग के लिए ये हमारे नीरचौक मेडिकल कॉलेज आएंगे और उसकी जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। ये सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जी? रिपोर्ट देर रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगी हमें। और लगभग कितने लोगों के जो हैं आज टेस्ट करवाने जा रहे हैं आप? इसमें हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो जो गाइडलाइंस है क्राइटेरिया उसके हिसाब से, तो करीब हमने 10 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है। सर एक संदेश कोरोना से बचने के लिए लोगों को? कोरोना से पहले तो हम ये बोलेंगे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्या है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हम जरूर पालन करें, जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें, अननेसेसरी हम कहीं भी बाहर घर से ना निकलें, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में या हॉस्पिटल में, अगर बहुत ही जरूरी है तभी आएं, और अगर अभी आपने छींकते भी हैं या खांसते भी हैं तो उसके लिए भी एटिकेट्स का पालन करें, आप साइड पे बाजू पे छींके खांसे ताकि जो आपके जो छींकने की वजह से सामने किसी को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां कोरोना के चलते देश भर में कई नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस महामारी के प्रति जागरूक नहीं दिख रहे हैं। ऐसा वाक्य शुक्रवार को तिनबड़ बाजार में देखने को मिला, जहां शरेआम लोग सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लॉकडाउन के चलते भी 1.5 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, फिर भी लोग जागरूक नहीं है। आलम यह है कि होम क्वारंटीन में रखे लोग भी खुलेआम घूम रहे हैं, लगता है इनको प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। लोगों ने भी प्रशासन से आग्रह किया है कि इस तरह नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। कोविड-19 के खिलाफ चल रहे युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी दिन रात सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स पर नाज है, कोरोना के खिलाफ इनका योगदान अतुलनीय है।